नौरीन फारूक के रोने की असल वजह क्या? वीडियो वायरल, सहाफी हसन अयूब ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए सहाफी हसन अयूब ने कहा कि नौरीन फारूक खान अभी भी रो रही है और कह रही है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी 1999 से लेकर 2023 तक पीटीआई में रही हूँ। हसन अयूब ने कहा कि जो बंदा 2020 में आ रहा है वो पीटीआई का चेयरमैन बन रहा है, ये इमरान खान का गलत फैसला था, कम से कम इलेक्शन तो फेयर कराते। नौरीन अब चाहती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा हो। वो कहती हैं कि 20 बंदे बिठाकर इलेक्शन कराया गया, हमारी तो मुल्क गिर पार्टी है, मगर वो आज भी पीटीआई और इमरान खान के लिए रोती है। हसन अयूब ने नौरीन फारूक की वीडियो शेयर करते लिखा कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वालों को पार्टी का हिस्सा ना होने का अदालत में बैरिस्टर अली जफर का दावा मुकम्मल गलत और झूठ पर मबनी है, क्योंकि नौरीन फारूक खान ने 1999 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और 2003 में तहरीक इंसाफ वीमन विंग की सदर मुंतखब हुई। साल 2020 से तहरीक इंसाफ लेबर विंग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है जिसमें चौधरी सरवर ऐलान कर रहे हैं कि नौरीन फारूक मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो चुकी हैं।